نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. فخر نقشبند, زیب مسند, آستانہ عالیہ حضرت شیر ربانی, حضرت قبلہ الحاج مختوم و محترم صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ, حضرات مشائخ اعظام علماء کرام, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان کے ایک مرتبہ پھر عرس شریف کی سالانہ تقریب میں ہم سب کو شرکت کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. میری طبیعت اس وقت بظاہر جسمانی طور پر اجازت نہیں دیتی کہ میں خطاب کروں, لیکن اس آستانے پر یہ سعادت ملتی ہے, حضرت کا حکم ہوتا ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور سارا سال چارج رہتی ہے. دو باتیں کرنی ہیں, علماء کے خطاب آپ نے سنے, میں نے صرف دو باتیں آپ کو یاد کرانی ہیں. ہمارے برادران طریقت جہاں کہیں بھی ہوں, جس سلسلے سے وابستہ ہوں, وہ یاد رکھیں کہ آج کل یہ جو تقابل شروع ہو گیا ہے کہ تمہارا پیر بڑا ہے, میرا پیر بڑا ہے, تمہارے پیر کی شان کم ہے, میرے پیر کی شان زیادہ ہے, نقشبندی سلسلہ اپنی جگہ ہے, قادری کی شان زیادہ, چشتی کی شان زیادہ, یہ ہم اہل سنت و جماعت کا کام. آواز آئے اونچی کہیے, جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام ہے, جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ہے, ہم اس کو پیر بھی مانتے ہیں, ولی بھی مانتے ہیں. آپ کو وضاحت کر دی اس نسبت کے صحیح ہونے کا کیا مطلب, کہ اس کا عقیدہ درست ہو. لوگ کہتے ہیں تم رفع یدین نہیں کرتے, غوث پاک کو بڑا پیر کہتے ہو, وہ تو رفع یدین کرتے تھے. میں نے کہا غوث پاک تو بات کی بات ہے, بہت سے صحابہ رفع یدین کرتے تھے. ہمارا اختلاف اہل حدیث کہلانے والوں سے, وہابی کہلانے والوں سے, اونچی آمین کہنے پر, رفع یدین پر, فاتحہ خلف الایمان پر نہیں, ہمارا اختلاف ان سے عقیدوں پر ہے. کس پر ہے؟ اونچی کہیے, جس کا عقیدہ درست ہے وہ مقلد ہو کر یہ کام کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
लेकिन अकीदा दुरुस्त नहीं तो फिर ये काम करना उसका उसको कोई फायदा दे सकता नहीं। शैतान ने 6 लाख बरस नमाज पढ़ी, क्या मिल गया उसको? अल्लाह वाला एक सच्चा सजदा कर ले, बेड़ा पार हो जाए। मुझे अपने पीरो मुर्शिद हजरत साहब कर्मा वाले रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती है। हजरत शाह साहब किबला बड़े हजरत साहब गंजे करम फरमाया करते थे ठेठ पंजाबी में, तुसी जेड़ा नारा या रसूल अल्लाह दा लगाउंदे हो ना वाबिया नू चढ़ाउण वास्ते, फरमा एक वरी दिल तो या रसूल अल्लाह पुकारो, बेड़ा पार हो जाएगा। बात समझे आप? हम अहले सुन्नत व जमात हर दौर में दुनिया के सामने हकीकत रखते आए हैं। हम कहानियां नहीं सुनाते, हमारे अकायद खुद साख्ता अपने बनाए हुए नहीं है, कुरान और हदीस से अकीदे बनते हैं। अकीदे किसी इमाम के कौल से नहीं बनते, हम इमाम भी उसको मानते हैं जो कुरान और सुन्नत का पाबंद हो। सुनो, अपने पीर से मोहब्बत बहुत होनी चाहिए, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी और सिलसिले के सच्चे पीर की तौहीन करें। हम नक्शबंदी हैं, हम मुजद्दिदी हैं, हम कादरियों से भी प्यार करते हैं, चिश्तियों से भी प्यार करते हैं, सोहरावर्दियों से भी प्यार करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? मैं एक वाकया सुना दूं, ये भी बुजुर्गों से सुना हुआ। सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हों के हवाले से, उनके जाहिरी जमाने में एक शख्स था। अभी आपको हजरत शाह साहब सुना रहे थे कि वसीला ढूंढना पड़ता है, पीर ढूंढने पड़ते हैं। उसने अपने जहन में एक निशानी रख ली कि मैं उसको अपना पीर बनाऊंगा कि वो जब वुजू करके लोटा रखे तो लोटे की टूटी का मुंह किबले की तरफ हो, जब भी रखे तो ऐसा हो, जूती उतारे तो उसका मुंह किबले की तरफ। ये उसने अपनी तरफ से निशानी मुकर्रर कर ली। हालांकि सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना था, सफर करते हुए जा रहा था एक पहाड़ी पर, कहीं कोई छांव मिली, थोड़ी देर आराम करने लगा। वहां एक लक्कड़हारा, लकड़ियां काट के बेचने वाला, वो शख्स अपना काम करके आया। उसने अपनी झोंपड़ी से, कुटिया से लोटा निकाला, वुजू किया, ढलवान थी। लोटा जब रखा तो वो लुढ़कते लुढ़कते जब रुका तो उसका मुंह किबले की तरफ हो गया। कहने लगा ये मेरा पीर है, उसने यही निशानी रखी थी। उसको जाके कहने लगा जी मैं आपके पास मुरीद होने आया हूं। उसने कहा मैं तो पीर नहीं हूं। उसने कहा जी सच्चे पीर इसी तरह ही कहते हैं, आजजी करते हैं, आप पीर हैं, आज से आपको कोई जरूरत नहीं काम करने की, अब मैं मुरीद हूं, मैं खिदमत करूंगा। उसने वही दरवाजा पकड़ लिया, सुबह शाम वहां डेरा लगा लिया। उस लक्कड़हारे ने किसी से मशवरा किया, ये मेरे दरवाजे पे आके बैठ गया है, मैं क्या करूं? उसने कहा तुझे कोई नुकसान तो नहीं दे रहा ना, अल्लाह का कोई नाम बता दे, पढ़ता रहेगा, तुझे सवाब मिलता रहेगा। उसने उसको बता दिया, लेकिन वो दिल से लगा था। जो बात मैंने करनी है वो क्या, वो कहां, जरा कह दीजिए, सब कह दीजिए। ये इसलिए कहलवा रहा हूं कि आपका दिल भी ये याद कर ले। उसने दिल से पक्का होके पकड़ा था तो वो खिदमत कर रहा था, उसने दरवाजा पकड़े रखा। एक दिन वो लकड़ियां काट के बेच के वापस आ रहा था, सामने से सैयदना गौसे आजम तशरीफ ला रहे थे, मुरीदों के दूसरे अहबाब की जमात साथ थी। दूर से उसने देख लिया मगर देख के छुप गया, दरख्त के पीछे छुप गया।
उसका छुपना गौसे पाक ने देख लिया। आदमी को भेजा, ये जो छुपा है इसको बुला के लाओ। वो सामने आया, निगाहें झुकी हुई थी, फरमाया मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं, औलादे रसूल हूं, तू मुझे देख के छुप गया, लोग सलाम कर लेते हैं, तू छुपा है तो मुझसे कोई खता हुई है, क्या बात है? उसने कहा नहीं जी, मैं आपका बहुत अदब करता हूं, आप बहुत बड़े पीर हैं, बात यह है कि मेरा एक पीर है और मैं उसका अकेला मुरीद हूं, वो मेरा अकेला पीर है, वो आप जैसा खूबसूरत नहीं है, उसके पास इतने मुरीद नहीं है, ऐसी शानो शौकत नहीं है, मैंने इसलिए अपने आप को छुपाया कि आपको देखूंगा, आपकी शान देखूंगा, कहीं ये ख्याल ना आ जाए कि मेरे पीर के पास ये सब क्यों नहीं है, मेरे पीर के पास ऐसा लिबास क्यों नहीं है, ऐसी शान क्यों नहीं है, इतने मुरीद क्यों नहीं है। अगर ये ख्याल पीर के बारे में आया, मैं इसको भी बेअदबी समझता हूं। हजरत गौसे पाक ने ये बात सुन के फरमाया मोहब्बत हो तो ऐसी हो, सीने से लगा लिया, गौस पाक के सीने से लगा था, वो सीना जो अनवार का खजीना था, जब सीने से लगा तो उसका सीना भी जगमगा उठा। जब वापस गया, जाके अपने पीर को देखा तो इसका सीना तो रोशन हो चुका था, देखा तो पीर खाली, पीर खाली। मगर फौरन ख्याल आया, मुझे मिला है तो इसकी वजह से मिला है, अगर मैं इससे मोहब्बत ना रखता तो गौस पाक मुझे ना नवाजते, गौस पाक ने नवाजा है तो इसकी वजह से नवाजा है। बात समझ में आई है? ऊंची लोग आज कदर नहीं जानते, शुक्र कहते ही कदरदानी को है, इतनी बड़ी बारगाह से ताल्लुक हो और फिर भी हमें तलब हो, तो फिर मैं समझता हूं हमने इस निस्बत की कदर नहीं की। पैगाम क्या देना है? शर्कपुर शरीफ में आने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत शेर रब्बानी जिनका उर्स मनाया जा रहा है, उनके बिरादर हजरत सानी लासानी और उनके फरजंद हजरत शबीह शेर रब्बानी साहिबजादा मियां गुलाम अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, ये हस्तियां अपने अपने वक्त में सुन्नत के इहिया के लिए, सुन्नत की तजदीद के लिए, दीन की बका के लिए कभी मसलहत से काम नहीं लेती थी। कोई ओहदेदार हो या सियासतदार हो, सियासतकार हो, कोई सेठ हो या अपने इलाके का रईस हो, कभी इन्होंने हक बात कहने में लचक दिखाई नहीं। यही पैगाम है। आज सुन्नी कहलाने वाले अपने बच्चों को अगर गैरों के मदरसे भेजें, उनकी औरतें गलत लोगों के दर्स में जाएं, तो क्या ये शेर रब्बानी से वफा होगी? ऊंची आपके पास बेटी बहन का रिश्ता आए और आप अकीदे को तरजीह ना दें, तो बताइए क्या ये शेर रब्बानी से वफा होगी? अगर इस आस्थाने से वाबस्ता कोई शख्स कहीं मुलाजिम है, वो वक्त पर ड्यूटी पर नहीं जाता, अपना काम पूरा नहीं करता, वो समझता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शेर रब्बानी की निस्बत को तो याद रखे कि मैं किस दर का गुलाम हूं, मेरी शोहरत कैसी होगी। लोग कहेंगे शर्कपुर शरीफ का मिलने वाला और ये किरदार है? मुझे और आपको सोचना होगा। मैंने यही पैगाम देना है। आज मुझे कुछ सर बगैर टोपी के क्यों नजर आ रहे हैं? ये तो वो आस्ताना है,
जहां लोग सर पर अमामे बांध के आते थे, यहां के मिलने वाले कहीं से गुजरते थे तो लोग देखकर पहचानते थे ये शरफपुर शरीफ का वाबस्ता जा रहा है। आज उस मसलक के लिए हमारी कुर्बानियां कहां हैं? हम लोग टेलीविजन पर दूसरे लोगों को सुनकर उनकी तारीफ करने लग गए। गलत गलत लोग आपके बातें कर रहे हैं, कोई तसव्वुफ के खिलाफ बातें कर रहा है, कोई हदीस के खिलाफ बातें कर रहा है, कोई सहाबा के खिलाफ बातें कर रहा है, कोई औलिया के खिलाफ बातें कर रहा है। हम कहते हैं नहीं, ये तो बहुत अच्छे बोलने वाले हैं। फिर क्या हम शेरे रब्बानी के गुलाम कहला सकेंगे? अगर आप चाहते हैं कि शेरे रब्बानी की किस्मत आपकी निस्बत काम आए, यहां भी आप कामयाब हों वहां भी कामयाब हों, तो फिर याद रखो हजरत शेर रब्बानी जिस मसलक पर थे उस मसलक को हमने मजबूती से थामना है। उसके मामले में कोई रियायत कबूल करनी ऊंची, वोट का मसला आए, खालों का मसला आए, चंदे का मसला आए, रिश्ते नाते का मसला आए, जहां कहीं देखो सबसे पहले अपना अकीदा देखो। जो अकीदे में दुरुस्त नहीं है वो तुम्हारा दोस्त ऊंची कह दीजिए। ये सिलसिला ही सिद्दीकिया है। हजरत अबू बकर की निस्बत से इसको सिद्दीकिया कहा जाता था, फिर हजरत बायजीद बिस्तामी की निस्बत से इसको तैफूरिया कहा जाता था, हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी की निस्बत से इसको ख्वाजगानिया कहा जाता था, हजरत शाह नक्शबंद की निस्बत से इसको नक्शबंदिया कहा गया, फिर हजरत मुजद्दिद का उसमें सिलसिला शामिल हुआ मुजद्दिदिया कहलाया। हमारी निस्बत शेरों से है। मौलाना जामी ने लिखा सारे शेर इसी सिलसिले में हैं, और ये तो शेर रब्बानी का आस्ताना है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है, फख्र है इस बात पर, अल्लाह का शुक्र कि उसने अपने एक मकबूल बंदे से हमें वाबस्ता किया। आपको याद होगा मेरे वालिद तो उनकी बशारत से पैदा हुए थे। हजरत साहब ने वालिद साहब की बशारत दी थी कि दादा जान की शादी नहीं हुई, शादी होने में भी 7 महीने बाकी थे। हजरत शेरे रब्बानी ने फरमाया था नूर की नहरें चलेंगी। दादा जान का नाम करम इलाही था, फरमाया करमे इलाही दिया नहरां वगिया, नूर दिया नहरां चलन गिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फैजान है दुनिया भर में जा रहे हैं, इज्जत पा रहे हैं सलाम इस हस्ती को। अल्लाह ताला इनके दराजात और बुलंद फरमाए। हमें हजरत साहिबजादा साहब से वफा करनी है। मुझे आज आते ही खबर मिली, हजरत ने कितने ही मकाम पर जुर्रत का मुजाहिरा किया, हिम्मत का मुजाहिरा किया। अल्लाह ताला इनको इनके बड़ों का सच्चा वारिस रखे और हमें इनका वफादार रखे। अल्लाह ताला आने वालों को सबको मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात पर साबित कदमी अता फरमाए। गुफ्तगू में कहीं कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।